नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का रायता। इसे हम फटाफट बनाकर तैयार करेंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर गैस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे ये घिसा हुआ गाजर। यहाँ मैंने 300 ग्राम गाजर लिया है और इसमें डालेंगे लगभग एक चौथाई गिलास पानी। गाजर को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए उबालने के लिए, तो एक चौथाई गिलास ही काफ़ी है और इसमें एक विसल आने का वेट करेंगे। एक विसल आ चुकी है प्रेशर कुकर में, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके प्रेशर निकलने का वेट करेंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर बिल्कुल निकल चुका है, तो अब इसका ढक्कन हटा कर देखेंगे। ये गाजर बिल्कुल गल चुकी हैं और इसमें बहुत ही हल्का सा पानी बचा है, तो अब हम इसे ऐसे फैला देंगे और कुकर के अंदर ही ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो दही और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो स्पून से भी इसे फेंट सकते हैं। दही एकदम स्मूथ हो चुका है, तो अब इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। काले नमक का स्वाद हर रायते में बहुत ही अच्छा आता है। नमक ऐड करेंगे अब स्वाद अनुसार। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये उबले हुए गाजर। आप देख सकते हैं ये जो पानी है बहुत ही कम बचा है इसमें, हम इसे भी रायते में ऐड कर देंगे। और हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटा हरा धनिया। अब दही के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। मेरी रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वो भी हिंदी में। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा ग्लास के करीब मठा। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। रायता ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, तभी उसका टेस्ट कमाल का आता है। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है इसे अच्छे से। ये रायता बनके तैयार हो गया है, तो चलिए अब इसका तड़का बना लेते हैं। अब गैस पर एक चमचा रखेंगे और इसमें डालेंगे लगभग एक चम्मच तेल। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है क्योंकि छोंक हमेशा सरसों के ऑयल में ही लगता है। अब हम इसे गर्म कर लेंगे। छोंक लगाने का ये तरीका है कि तेल गर्म होते ही गैस एकदम बंद कर दें, क्योंकि वरना अगर आप गैस के ऊपर ही जीरा डालेंगे तो वो जल जाएगा। तो अब इस ऑयल में डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। यहाँ मैंने एक चुटकी हींग ली है। अब ये जीरा अच्छे से इसके अंदर भून लेंगे और भूनने के बाद इसे रायते के ऊपर डाल देंगे। अगर आप रायते में स्मोकी फ्लेवर डालना चाहते हैं तो इस छोंक को रायते के ऊपर डालते ही इसे एक प्लेट से ढक दें, जिससे कि जो इसका धुआं है वो अच्छे से रायते में आ जाएगा और ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला गाजर का रायता तैयार है। आप इसे रोटी, पराठे, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने यहाँ पर इस रायते को उबले हुए गाजर और धनिये से गार्निश किया है, जिसे ये रायता देखने में और भी कलरफुल दिख रहा है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन दबाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।